So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Swati Guru and let's start today's vlog. So आज मैं जा रही हूँ क्या बोलते हैं मार्केट एंड क्योंकि कल भी गई थी एक्चुअली मैं कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं भूल गई थी तो एक्चुअली मैं भूल ही नहीं थी वो ना मिडल ऑफ द मार्केट में याद आया तो मैंने बोला कि अब नहीं बनाऊँगी कल बनाऊँगी तो आज बना रही हूँ मैं आज क्योंकि जो मैंने फिटिंग के लिए दिया था मैं वो लेने जा रही हूँ मम्मी भी जा रहे हैं साथ में क्योंकि मम्मी ही लेके जाते हैं मुझे तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मेरी कल की पैकिंग भी हो चुकी है बिकॉज कल मैं निकल रही हूँ गुड़गांव के लिए एज़ यू ऑल नो मे बी यू डोंट नो तो अब आपको पता चल गया है। सो कल कुछ सामान लिया था हमने लक्षिता से मम्मी ने भी लिया था तो मेरा जो लोअर था वो लंबा आ रहा था मुझे मतलब नीचे का तो फिर मैं उसको फिटिंग मतलब शॉर्ट कराने के लिए लेके दिया है तो वही लेने जा रहे हैं अभी फिर वहाँ से आते हुए हम लोग बड़ी मम्मी के घर घुसते हुए आएंगे तो आई एम रेडी एंड नाउ लेट्स गो आउटफिट चेक। आप लोग मुझे पिंक में देखने वाले हो बहुत ज़्यादा पिंक में ही देखने वाले हो मर्जेंटा पिंक यस वी हैव रीच्ड टू लक्षिता मम्मी का भी शॉपिंग हो गया मेरा द गुरुंग्स व्लॉग करके ये आपका चेंज है बिल दे दियो आपको आप इसमें सर्च करके वीडियो अभी मैंने न्यू स्टार्ट करा है मैंने सब्सक्राइब कर दिया अपने आप ही गाइज मम्मी यहीं से शॉपिंग करती है सबसे ज्यादा डब्लू से एंड लक्षिता से तो मम्मी बताएंगे कैसा है मतलब अच्छा है एक्चुअली में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट अच्छा होता है इन लोगों का ना सो गाइज आई एम बैक और मम्मी बड़े मम्मी के घर चले गए मैंने बोला कि मैं वर्कआउट करूँगी क्योंकि कल भी नहीं कर पाई थी तो आज करूँगी तो मैं घर आ गई और फिर मैं गई थी सब्जियाँ लेने क्योंकि कल हम जा रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं अगर हमको मंडी जाना तो बहुत दूर जाना पड़ता है और टोल क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि हमारे घर के आसपास में एक टोल पड़ता है तो उसके आगे है मार्केट तो इसलिए हम लोग मैंने सोचा कि यहीं से ले लेती हूँ और अब मैं फटाफट से चेंज करके फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे यस एंड एक चीज़ की लाइट चली गई है तो मुझे फ़ोन में लगा के करना पड़ेगा कोई बात नहीं सो गाइज आई एम रेडी एंड अभी बज रहे सुबह के 5 यस उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को कोई बात नहीं 5 बज रहा है अभी और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गुड़गांव यस तो भीना ने बोला था कि 5 बजे तक रेडी हो जाना तो मैं रेडी हो चुकी हूँ 5 बज चुके हैं एक्चुअली मैं अभी 2 मिनट और है तो
बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट निखिल आफ्टर सो लॉन्ग, कि हम लोग को शायद ना मिले हुए 2 हफ्ते हो गए, या सिर्फ 2 हफ्ते, बट स्टिल क्योंकि शादी के बाद वो नया नया होता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, यस एंड आई एम वेरी हैप्पी अभी. तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर मिलते हैं निखिल से, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ, राइट. सारी सामान पैक हो चुके हैं, नीचे डाउन चला गया है, बस अब जैसे ही भीना आता है फिर उसको पैक कर लोड करते गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं. ओके गाइस, सो गाइस वी हैव रीच्ड टू शीतल ग्रैंड एंड हाउ प्रिटी, नो सो प्रिटी. नाउ लेट्स गो इनसाइड, बिना अंदर होंगे शायद. हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी और हमने मंगाया चाय एंड कॉफ़ी, और ये है बिना, मतलब मेरे तो दाई लगते हैं निखिल के, बिना मेरे दाई. तो अभी हम लोग खा लेते हैं, थोड़ा लाइट ही खाएंगे अभी. सो गाइज वी हैव रीच्ड, निखिल को बुलाया है सामान लेने के लिए, पता नहीं कहाँ है. आई गो गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे तो. ओ सुतोड़े, तुम्हारा हाथ कितना काला है. तुमने मुझे मिस नहीं किया, नहीं किया ना, वापस चली जाऊं फिर मैं, हाँ चली जाऊं, इधर इधर मुड़ के बोलो, इधर मुड़ के बोलो ना, बोलो बोलो चली जाओ. बोलो जल्दी. हाँ गर्मी की वजह. क्या गर्मी की वजह? मेरी वजह से हो रही तुमको गर्मी. चुप रहो यार. मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं चली जाऊँ? तुमने मिस नहीं किया ना मुझे? बताओ ना. चलिए गाइस, मैंने सोचा था मेरे लिए खाना बना के रखेंगे और मुझे बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए. सर अम्मी नहीं आती, मैं इतने दूर से आई हूँ. हाँ तो तुमको बना के रखना चाहिए था ना. शादी होने के बाद ये होता है. और अभी सामान भी इतना सारा, मतलब बहुत सारा है. पता है कैसे लग रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम ट्रैक में जा रहे हो. इतना बड़ा बैग ले. ये सामान, ये पूरा सामान, वो पूरा सामान. सब मिलाना है. अब पहले मैं सोऊंगी उसके बाद करूंगी, बट पहले खाना बनाना है. तो कंफर्टेबल स्लीपर लो ना, गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है. इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्रॉक्स. शाम में जा सकते थे हम लोग वॉक करते हुए, मुझे वहाँ पे वो भी देखना था, वो फ्लावर फ्लावर वाला लग रखा है कुछ वहाँ पे. किसने बना दिया? चली जाना का क्या मतलब होता है? चलेंगे बोलो ना. एक दिन में दो क्या पता बारिश नहीं होती गुड़गांव है, ये बारिश नहीं होती यहाँ पे.
now. अब विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. यहाँ देखो आईज भी सूज गई है, ब्लैक ब्लैक हो गया है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रखी है. सो आई एम गोना टेक रेस्ट. विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय गाइज़.